हाँ जी ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में जो पहला पार्ट है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, तो कार्बोनाइल कंपाउंड से दो पार्ट है, दो पार्ट। पहला है बाय कैटेलाइटिक रिडक्शन, जैसे मान लो ये ठीक है, तो कैटेलाइटिक रिडक्शन क्यों करते हैं बताओ। पहले इसमें ये देखो, सबसे पहले कोई भी रिएक्शन पढ़ने से पहले आप सोचोगे हमें पढ़ना क्या है। बताया था इसमें क्या देख रहे हो, वी एम एट, हमें हमारा एम क्या है, कहां से कहां जाना। देखो जी कार्बोनाइल कंपाउंड ये हमारा है, कार्बोनाइल कंपाउंड से हमें एल्कोहल में जाना है। एल्कोहल मींस क्या हुआ, इस कार्बोनाइल कंपाउंड में देखो क्या हो रहा है, सी डबल बॉन्ड वो है, सिंगल बॉन्ड ओ एच और एच लगेगा। तो बताओ हो क्या रहा है प्रोसेस में, बताओ जी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। हाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसी को तो रिडक्शन कहते हैं, ध्यान रखना। सिंपल हमें एच ऐड करना है, तो आप लोग इसमें भाई रिडक्शन बहुत सारे आएंगे ट्वेल्थ में, तो रिडक्शन मीन्स रिडक्शन जब भी हम करेंगे तो देखेंगे भाई हो क्या रहा है प्रोसेस में। कहीं कहीं पे देखोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होने वाला है। यहाँ पे कोई ओ को हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड से हम एल्कोहल बना रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन याद करती मतलब कर रहे हैं। तो अब मेन क्या है इसमें हमें पढ़ना है, जो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा हो सकता है यहाँ पे, मतलब जैसे हम रिडक्शन H2O एडिशन करते हैं तो जानते हो कैटलिस्ट होता है, तो हम कैटलिस्ट क्या क्या यूज कर सकते हैं इसको याद करना है। बताओ जी क्या यूज करते हैं कैटलिस्ट, बताओगे। जैसे एक तो फेमस है निकल H2, सब जानते हो। सिंपल कभी भी एच ऐड करना हो लेकिन सब में ले, जैसे 11th में या 10th में पढ़ा था एल्कीन से एल्केन, मींस इथीन से इथेन, जब हमने बनाया था तो हमने H2 ऐड किया था इथीन से इथेन बनाने के लिए, तो वैसे ही एल्डिहाइड या कीटोन दैट मींस कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, इससे एल्कोहल में जाना होगा तो हम कैटेलाइटिक रिडक्शन मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम H2 ऐड करेंगे। पता और क्या ले सकते हैं, निकल ले लिया और प्लेटिनम, प्लेटिनम H2 भी ले सकते हो कैटलिस्ट में, और क्या ले सकते हो, पैलेडियम PdH2 ले सकते हैं, और बताओ। एक और फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है एल्डिहाइड कीटोन में बहुत काम आएगा, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड भी आप एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड या कीटोन से एल्कोहल बनाना मतलब एडिशन ऑफ H2 में ले सकते हो, और बताओगे ले सकते हो। LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये भी ले सकते हो। बताओ जी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्यों ले सकते हो, मतलब क्यों मतलब कह रहे हो, क्यों रीजन नहीं पढ़ रहे हैं CBSE में। देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है, लेकिन ये जनरली हम नहीं यूज करते हैं इसमें, ये लिथियम है जी Li, तो इसको यूज नहीं करते, कोई बताओगे। क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है, इंडस्ट्री में जनरली हम एक्सपेंसिव चीज यूज नहीं करना चाहते, जब कोई ऑप्शन नहीं हो तब ले सकते हो, मतलब
हम रिड्यूसिंग एजेंट निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम और NaBH4 और LiLH4, ये सारे इस प्रोसेस में क्या है, इसको इतना यूज कर सकते हो, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। सब याद रखना है जी, कोई कॉमन नहीं है, सब याद रखना है, सब कुछ याद रखना है जी। फिल्स ऑफ लेंस में आते हैं, ये नहीं कहोगे हम एक याद करके छोड़ देंगे, सब कॉमन है, सब ज्यादा फेमस ही है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये ज्यादा मिलेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम भी ले सकते हैं, सब कुछ याद रखते हैं। यहाँ ये नहीं है जो कौन अच्छा करेगा कौन खराब, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से भी कर सकते हो आप। एग्जाम्पल भाई हम पढ़ क्या रहे हैं जी, रिडक्शन। एक बात ध्यान देना जी, आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर भी साथ में पढ़ रहे हो। एल्डिहाइड कीटोन जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा कीटोन एल्डिहाइड जो है ना, जिसे हम आगे पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल रिएक्शन, तो वहां पे आप ऐसे एल्कोहल बना लो, मतलब वहां पे एल्कोहल बना सकते हो। तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल का रिएक्शन करके देखो, देखो क्या बनता है। इथेनॉल का रिडक्शन करके देखो, थोड़ा आराम से पढ़ना है जी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी अब आप जब भी करोगे पेपर में कोई एक ही डालना, लेकिन जब भी घर में पढ़ते हो H2 निकल और या ऐसे यहां डाल दो और H2PT और H2PB और NaBH4, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंपल OH H एज इट इज, एक H ऐड हो गया, क्या बन गया, इथेनॉल, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल, जो इथेनॉल था उसका कॉरस्पॉन्डिंग इथेनॉल बन गया है। इसका कॉमन नेम कौन बताओगे, कॉमन नेम एसीटोन, एसीटोन कॉमन नेम याद होना चाहिए जी, दिस इज कॉमन नेम, आईपिक नेम पढ़ा दिया हो, प्रोपेनोन, दिस इज प्रोपेनोन, तीन कार्बन कीटोन है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन को जी। अब इसमें क्या है, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है ये डाल देंगे ये बन जाएगा, ऐसे नहीं याद करना है, सोचना है हमें कीटोन से एल्कोहल में जाना हो तो भाई हो क्या रहा है, एच ऐड हो रहा है। जब हम प्रोपेनोन से एल्कोहल बना रहे हैं तो देख रहे हैं क्या हो रहा है भाई, इसमें H2 का एडिशन हो रहा है, तो वही चीज क्या पढ़ा है, H2 निकल, H2PD, H2PT और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, कुछ भी हम ले सकते हैं, तो बन जाएंगे इथेनॉल। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ बेंजाल्डिहाइड करके दिखाओ, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ बेंजाल्डिहाइड,
मतलब आप कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल प्रोडक्ट बनाते जाओ। जी क्या बना है कौन बताओगे? बेंजल्डिहाइड में हम डाल देंगे निकल एच टू और पी टी एच टू और एन ए बी एच फोर या पी डी एच टू। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये आपका बन गया बेंजाइल अल्कोहल। ये आपका था मतलब एल्डिहाइड कीटोन से हम कैसे एल्कोहल कोरेस्पोंडिंग एल्कोहल बना सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन से कैसे कोरेस्पोंडिंग एल्कोहल बना लेंगे। ठीक है, तो बेंजाइल्डिहाइड से हमने क्या बनाया बेंजाइल एल्कोहल। क्या हुआ? क्या क्या बताओ, कौन बता रही हो, क्या बता रही? वीडियो ऑफ नहीं है? ठीक तो काम कर रहा हूं, अभी मैं आ रहा हूं एक मिनट वापिस, एक काम है तो फोन करना है।
इसका दूसरा पार्ट है, देखो जी हम अभी पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन से एल्कोहल, फिर वहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है स्टेप ऑफ रिएक्शन ध्यान रखना है जी। कार्बन इंक्रीज कर रहा हो तो याद करो स्टेप ऑफ रिएक्शन के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, स्टेप अप। कार्बन इंक्रीज करना है ध्यान देना जी बाय यूजिंग ग्रिगनार्ड एजेंट, ग्रिगनार्ड मतलब हम कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्कोहल बनाएंगे, लेकिन बाय यूजिंग ग्रिगनार्ड एजेंट, हमें ग्रिगनार्ड एजेंट डालना है। तो मतलब सेम देखो जी ये हमारा क्या है एल्डिहाइड या कीटोन है, जैसे मर्जी बनाओ ये एल्डिहाइड कीटोन हमारा है, ठीक है साथ साथ लिखोगे क्योंकि तो इसमें बॉन्ड क्लीवेज करना सबको आना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है। ग्रिगनार्ड एजेंट मान लो हमने डाल दिया RMGX, इसका नाम बताओ जी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो हमें एल्काइल डिपेंड है भी करोगे क्वेश्चन आप, और कुछ भी ले सकते हैं मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने लिया एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड लिया, ध्यान दोगे। और अब आप लोगों को ये देखना है बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, तो पहले ही पढ़ाया था यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा RMG से, क्योंकि MgX में तो आयनिक बॉन्ड है, तो RMG पे क्या होगा प्लस R पे माइनस, लिखो जी बनाओ साथ साथ लिखोगे साथ साथ करोगे तभी रिएक्शन में याद होगा Mg प्लस R माइनस। और साथ ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है मतलब O पे आ सकता है माइनस चार्ज C पे प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड वीकली हेल्ड होता है तो आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया O पे माइनस C पे प्लस, तो इससे क्या होगा O माइनस से क्या अटैच होंगे प्लस MgX और R माइनस इस प्लस पे C पे आएंगे, ठीक है। अब इसको देखिए लिखो जी ये जो हमारा C बॉन्ड एज इट इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन चुका है, देख लो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ O माइनस, O माइनस पे क्या आ रहा है MgX और C प्लस पे क्या आ रहा है R, अब जितने ठीक है तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन गया थी, अब जितना भी रिएक्शन जब यहाँ बन जाएंगे एक मेन काम करना होता है, फिर स्टेप टू में आसान काम होता है ऑलवेज क्या करेंगे हमें यहाँ ओएच चाहिए हाइड्रोलिसिस H2OH+, इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और करने के बाद फिर यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा, देख लो O माइनस Mg प्लस, O माइनस Mg प्लस, ठीक है वाटर में सब जानते हो H प्लस और OH माइनस होता है ऐसे याद रखो, तो O माइनस के पास क्या आ जाएंगे H प्लस और Mg प्लस के पास OH माइनस, ध्यान देखो जी एज इट इज जो भी बोन लगे होंगे एज इट इज लगेगा यहां, यहां पे क्या आएगा OH बन गया एल्कोहल और प्लस क्या है साइड प्रोडक्ट, यहां पर नीचे लिख जाओ या तो नीचे लिख जाना आप लोग
प्लस क्या बना MgHOH सॉल्ट साइड प्रोडक्ट सॉल्ट MgHOH एग्जांपल बता दो। तो भाई बॉन्ड क्लीवेज देख देख के आपको अब यूज टू में आ जाओगे आगे जाके और जल्दीबाजी वैसे बना लोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। इसीलिए जित कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे बॉन्ड क्लीवेज करके ही किया करो। अब कहोगे भाई एग्जांपल ऐसा लेते हैं भाई जैसे यहां कार्बोनाइल कंपाउंड था क्या हो सकता है कुछ मर्जी जो मर्जी लो। मान लो हमने जनरल ले लिया मान लो चलो प्लस इथेनॉल है यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड और आर एम जी एक्स आर क्या ले लो मिथाइल ले लो मान लो सी एच थ्री मिथाइल मैग्नीशियम कुछ भी ले लो ब्रोमाइड ले लो मान ये हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ब्रोमाइड क्या बनेगा। तो भाई सब लोग बॉन्ड क्लीवेज कर करके बनाओगे देख देख इसको देख के बनाना है कैसे हमने पाई बॉन्ड ब्रेक किया प्लस लिखा माइनस लिखा ऐसे देख के बनाओगे जो ऐसे उतारते रहोगे कोई फायदा नहीं होगा आपकी। अब आपको जैसे बॉन्ड बस क्लीवेज करना सीखना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाँ देखो ये सब तुम लोग कर लिए होंगे। अब जो बच्चे भाई कर लिए अच्छी बात है कि वेरीफाई कर लोगे प्लस एम जी प्लस सी माइनस ठीक है ओ माइनस से एम जी बी आर अटैच होंगे और ये सी एच माइनस सी के पास जाएगा क्या बन रहा है सी एस थ्री सी ओ एम जी बी आर एच सी एस थ्री ठीक है सबको दिख रहा है और हाइड्रोलिसिस कर दे रहे हैं प्लस डाल दो एच माइनस डाल दो ठीक है इसका नाम क्या है बताओगे कॉमन नेम कौन तो है कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एम जी बी आर ओ एच तो जी अब आप एग्जांपल करोगे आपको कुछ क्वेश्चन करोगे कुछ ये जितना भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं मैग्नीशियम मतलब जिसका नाम जो है ना एनाइल का नाम लिख दो अल्फाबेटिकली मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड बस ये चीज है जैसे आप हाइड्रोक्साइड भी एनाइल है ब्रोमीन भी एनाइल है इसका नाम की कोई जरूरत नहीं है साइड प्रोडक्ट है इसका कोई यूज नहीं होता ज्यादा
पहला क्वेश्चन पेज 31 नहीं पेज 31 फर्स्ट क्वेश्चन कुछ बच्चे छुट्टी पे ही है जी, स्कूल में क्लास लेंगे लेकिन ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे। अरे किसी को समझ में नहीं भी आ रहा है बताओ, डिक्शन सब मैं इसीलिए बीच बीच से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्टीरियो ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब बच्चे को नहीं समझ में आएगा। स्कूल में तो एक लाइन में पकड़ लेगा, बेटा लो जी एनेंसियोमर हुआ, ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, बस बुक का फोटो दिखा देंगे, हो गया, खत्म हो गया। तो फोटो दिखाने से नहीं होता है, स्टीरियो में टाइम लगता है पढ़ाने में, बहुत टॉपिक लेके थोड़ा एक्स्ट्रा बताना पड़ता है तब समझ में आता है। तो इसीलिए मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो सबको समझ में आ जाए पहले, जो टॉपिक सिस्टम से। तो किसी को नहीं है तो पूछना है, जो ऑनलाइन हो तो भाई लिखते जाओगे फटाफट, जल्दी की बात नहीं है, मैं जल्दी कहाँ ले रहा हूँ क्लास, इसीलिए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ क्लास। अजी किसी को प्रॉब्लम भी है बोलो, ये सब समझ में आ रहा है? हाँ जी स्नेहा आ रहा है समझ में? स्नेहा और वंशिका तुम तो बोलती नहीं हो आजकल, की क्या बात है? वंशिका तो पूरे साल नहीं बोलेगी, लो देखो इसका तो अपना तो भाई अपना देखो जी क्वेश्चंस। अब ये चैप्टर में क्या है, जो बच्चे लिख लिख के पढ़ेंगे अब कोई मुश्किल नहीं लगेगा, थोड़ा मतलब लिख लिख के साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट है, मान लो क्या लिखा है, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। तो आपको भाई पीछे पर देखो, पहले सोचो रिडक्शन कर रहे हैं, हाँ जिसको मान लो प्रॉब्लम होती है, तो पहले ब्यूटेनल पढ़ाया था ऐसे चार कार्बन पढ़ा दिया, हाइपेग्नेन अल ये एल्डिहाइड होता है, बाकी एच डालने के पैसे नहीं लगते हैं, एच डाल दिया करो ब्यूटेनल। कह रहा है इसका कैटालिटिक रिडक्शन करना है, ब्यूटेनल का मतलब क्या डालते हैं, निकल एच टू या पीटीएच टू या PDH2, पेपर में एक डालना है लेकिन ऑलवेज सारा NaBH4। तो भाई हमारा इसका काम है तो जी ये किस, ये क्या चीज है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, प्रोवाइड हाइड्रोजन एच देता है, प्रोवाइड हाइड्रोजन ये जो है एच दे देता है एल्डिहाइड को। तो भाई अभी पढ़े थे आप पाइमोल को हटा दो और एच ऐड कर दो, एल्कोहल बन जाएंगे ब्यूटिनॉल। इसे हम कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटिनॉल फ्रॉम ब्यूटिनॉल। दूसरा पार्ट रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या पहले प्रोपेनॉन ले लो, प्रोपेनॉन पढ़ा चुका हूं, देखो जी बस प्रैक्टिस कर रहे हैं देख देख के,
प्रोपेनोन में लेना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr। दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जल्दी खुद करो सब लोग जो बच्चे नहीं किए हो। भाई देखो जी मैं अभी ऑफलाइन नहीं हो कॉपी चेक नहीं कर रहा हूं, लिखा करोगे प्लस माइनस देख के पीछे से। जब भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का O माइनस C प्लस Mg मेटल प्लस C माइनस O माइनस के साथ मेटल C माइनस C प्लस के साथ। क्योंकि जिसको लगे आसान भी लगे ये बनने वाला है तब भी लिखोगे क्योंकि बाद में जाके रिएक्शन बहुत सारा हो जाएगा भूल जाओगे। ओपे एम जी बी आर और एजीटी सी एस थ्री और इस और एक पहले सीएसी लग गया और सीएसी दो पहले से था। अब हाइड्रोलिसिस H2O H+ इसमें H+ और OH- पहले से है। प्लस माइनस O माइनस पे H प्लस और Mg प्लस पे OH माइनस। तो देखो जी क्या बना आइसो नहीं बना आइसो कौन कह रहे थे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो मतलब प्रोपेनोन में हमने गिनार्जन डाला मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बताओगे कितने स्टेप का रिएक्शन है कितने स्टेप्स का रिएक्शन है? नहीं जी दो स्टेप नहीं है, बाद में स्टेप पे कंफ्यूजन हो जाएगी तुम लोग। स्टेप दो नहीं है, ये समझाने के लिए ऐसे बताया। बुक सब में देखोगे या जल्दी में ऐसे कर सकते हो। बच्चे तो ऐसे जिसको प्रैक्टिस ज्यादा है पेपर में ऐसे डाल सकते हो MgBr हाइड्रोलिसिस साथ में हाइड्रोलिसिस किया फॉलोड बाय इसको कहते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। दिस इज द क्या बना प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट MgBr OH को नहीं भी लिखे यहां क्या बना MgBr OH बाय साइड प्रोडक्ट। इसमें स्टेप एक ही स्टेप है। ये हमें बॉन्ड दिखाया फर्दर पानी डालते हैं एक साथ ये डालते हैं पानी डालते हैं इसको कहते हैं ये बनने के बाद इंटरमीडिएट हाइड्रोलिसिस होके ये रुकता है। और वैसे भी पानी डालने को ऑर्गेनिक में स्टेप नहीं कहते ध्यान देना है। किसी तुम गेस्ट को पानी पिला दो तीन चार टाइम पानी पिलाते रहो वो बाद में गुस्से में आ जाएगा कुछ नहीं खिलाया पिलाया जी। पानी तो जितना मर्जी पिला दोगे उसका कोई फायदा नहीं होता है। केमिस्ट्री में भी है वाटर डालने को कोई स्टेप नहीं कहते कभी भी। तो अब देखो जी फिर कन्वर्जन आएगा अच्छा क्वेश्चन रिवाइज होगा। क्वेश्चन टू का पहला पार्ट क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट
बताओ जी किस किस का एक कन्वर्जन हो गया बताओ भाई। ये मानसी का हुआ और किसका हुआ जी? और किसका हुआ बताओगे? बताओ जी क्या लिए मानसी? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्या लिए हो? ठीक है जी। देखो जी कैसे सोच रहे हैं, देखो कैसे सोची। अरे देखो जी आपका कह रहा है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फिक्स्ड है, जिसको नहीं आएगा ध्यान से सुनो। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से पहला काम हमारा ये है, ये बनाना प्रोपेनॉल तीन कार्बन, ये बना लो पहले प्रोपेनॉल। सबसे पहला काम ये किया करो। कुछ बच्चे पूरे साल बताते हो ऐसे बैठ जाएंगे हाथ जोड़ के, दे ऐसे बनाएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो भाई उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कन्वर्जन अब इस चैप्टर में काफी होंगे और कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कुछ बच्चे को। जैसे यहाँ पर देखो जी दो कार्बन है और यहाँ पे तीन कार्बन लाना है, लो जी तीन कार्बन। इस कन्वर्जन को कहते हैं स्टेप अप रिएक्शन। पहले सोचते हैं भाई स्टेप अप, हमें मतलब कार्बन एटम इंक्रीज करना है, उसको स्टेप अप कहते हैं। तो स्टेप अप में हमें पता है तो भाई हमारे पास ये तो फिक्स है, ये क्या है? दिस इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ये हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमने लिया इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये ग्रिगनार्ड लेने के बाद ध्यान से देखो जी, हमने मान लो हमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट फिक्स है, ऐसे पर छोड़ दिया, पता नहीं क्या लेना है, कार्बोनाइल कंपाउंड पता नहीं है, क्योंकि सबको पता है एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो भाई यहां तो दो कार्बन फिक्स है, फिक्स किया हुआ है, हमें कार्बन तीन लाना है, तो कार्बन तो एक आ गया यहां पे, तो बताओ जी क्या लेंगे इधर दोनों साइड? एच और एच ले लेंगे, मिथेनॉल लेना पड़ेगा, मतलब तब ना कार्बन दो और एक तीन बन जाएगा। तो मतलब आप पेपर में तो भाई इसमें डाल दे रहे एच टू ओ एच प्लस बन गया ऐसे, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, बहुत बाद में जाके प्रॉब्लम आएगी। बॉन्ड क्लीवेज जितना जल्दी हो उतना जल्दी किया करो, मतलब Mg प्लस सी माइनस ओ माइनस सी प्लस ओ माइनस के पास, Mg प्लस सी माइनस सी प्लस के पास। OMgCl और यहां पे H और ये CH2CH3। फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, बन गया। तो जैसे है वैसे ही देता हूं मैं, ठीक है? बन गया प्रोडक्ट प्रोपेनॉल। तो भाई ऐसे हम थिंकिंग करेंगे
गेनर एजेंट फिक्स हो तो हम कार्बोनाइल कंपाउंड क्या ले सकते हैं, बाकी आप पेपर में सीधा ही डाल दोगे H2O H+ बन जाएगा, लेकिन पेपर लाके एंड में करना है, अभी आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। सेकेंड पार्ट खुद करो, हाँ जी। दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-methyl propane 2-ol। तो जी कौन कौन कर रहे हो, हाजी सब इच्छा हो गया। क्या डाली बता दो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या डाली हो, प्रोपेनल। हाँ सोची तो ठीक हो, लेकिन प्रोपेनल डाल के देखो बनेगा नहीं, प्रोपेनल डाल के नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोपेनल सोचना सही है लेकिन फिर गड़बड़ क्यों हो रहा है बताना है। बताओ जी सरोज क्या डाले हो, सरोज बताओ क्या डाले हो, सरोज कह रहे हो गया, पता नहीं बताते नहीं क्या तरीका है, बताओ। अब यहां बैठ के सोच लो ना, बताओ नाम बताओ, ऐसे बेकार है, कपोर का नाम बताओ, ये नहीं कुछ बोल दो जैसे मर्जी। अजी पढ़ने भी क्या डाली हो बताओ, खाली सर अच्छा बताओ प्रोपेनल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कार्बन तो तीन ले लिया आपने तो नहीं बनेगा। देखो जी जिसको समझ में नहीं आया देखो, बाकी तो ठीक है, बहुत बच्चे को आ गया होगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ब्रोमाइड से 2-methyl propane 2-ol।
2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो जी अब कार्बन यहां पे एक है, यहां पे एक दो तीन चार कार्बन है, लेकिन ध्यान देना प्रोपेनॉल सोच लोगी ना, अब यहां पे सी पे एच नहीं है, ध्यान देना इस सी पे कोई एच नहीं है। आप मान लो प्रोपेनॉल कोई लेता है, ये तो फिक्स है। अब आपको सोचना ये है जो हम कार्बोनाइल कंपाउंड क्या लेंगे, ऐसे जो फिक्स हमारा ग्रेनार्ड लेजेंड है, फिक्स है ये क्या लेंगे, ये फिक्स है। तो भाई यहां पे हम प्रोपेनॉल ले लेंगे तो एच आ जाएगा, एच भी हम हैरी सी पे इस एल्डिहाइड वाले सी पे चलिए, इसलिए हम क्या लेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल के अब ऐसे हो जाए यूज में आ जाए, बीच में ओएच लाना है, दोनों साइड सीएच थ्री है। हाँ जी समीक्षा आ गया समझ में, मतलब हम प्रोपेनॉल से कुछ और बन जाएगा, उसका भी बन जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, वो कन्वर्जन आ सकता है, ब्यूटेन टू ऑल बन जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ऐसे सोचना है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन करो थर्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाँ जी ट्राई मारो, पर सब लोग ट्राई मारते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सूटेबल ग्रिग्नार्ड एजेंट ऑन मिथेनॉल। क्वेश्चन का मतलब देखो जी, पहला पार्ट कह रहा है आपका मिथेनॉल को फिक्स कर देना है, मिथेनॉल फिक्स्ड है प्लस ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या लेंगे, ऐसे लिख लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम क्या सोचेंगे जिससे बन जाए टू मिथाइल प्रोपेनॉल, टू मिथाइल प्रोपेनॉल बन जाए। भाई आपको क्वेश्चन पहले दो जी, बाद में जल्दी जल्दी करना है, देखना है भाई फिक्स है मिथेनॉल हमें क्या है लेना है, ग्रेनार्ड एजेंट मतलब क्या लेंगे जिससे ये एल्कोहल बन जाए।
ठीक है जी। देखो जी, जिससे हो गया अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ देखो ध्यान से। अब देखोगे, देखो जी ये आपका जो ये है, ये जो CHCHO है ये तो एल्कोहल बना लेगा, यही तो, ये तो आर लेना है ना, आर, ये आर लेना है जी, आर, क्योंकि भाई ये तो एल्कोहल बन ही जाएगा, CHO ये एल्कोहल बन जाएगा हमारा, और आर ये लेंगे फिर आर, आर इस कार्बन में अटैच हो जाएगा, तो ले लो भाई। कैसे ले लेंगे, दिस इज मिथेनल, ध्यान दो, मिथेनल प्लस आइसोप्रोपाइल, ये ऐसे लिख दो, उतार दो ये वाला आर वाला, ये एम जी डाल दो जो मर्जी, एम जी सी एल, एम जी बी एल, लो जी पेपर पे तो डाल दो एस टू सही हो जाएगा, एस टू एच प्लस, लो जी सी बी एस ई में, लो जी सही हो गया, लो जी ये आंसर आ गया, लो जी एक एच टू एच प्लस आंसर आ गया। दिक्कत हो तो बॉन्ड को क्लीवेज करो, बन जाएगा माइनस प्लस ऐसे CH, यहां पे ले आओ, बोलो जी किसको समझ में नहीं आया, बताओ जी किसको समझ में नहीं आया, बताओगे कोई जी? अच्छी बात है सबको आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो जी नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, फिर सेम है वैसे ही, मिथेनल को फिक्स करना है, मिथेनल में क्या डालेंगे जिससे बन जाए ये कंपाउंड जो दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, मिथेनल आपका फिक्स है, ग्रिनार्ड एजेंट क्या लेंगे जिससे ये बन जाए साइक्लोहेक्साइड मिथेनॉल, आगे सबका मतलब ये तो हमारा एल्कोहल बना लेगा, ये एल्कोहल, ये हमारा आर हुआ, सीधा बना दो या आपको बोन क्लीवेज करना है, बोन क्लीवेज करके देख लो,
ठीक है जी। तो आपका ये प्रिपरेशन नंबर वन हो गया फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट था। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी है जो हम करस्पॉन्डिंग एल्कोहल के लिए डाल कर देंगे कैटेलाइटिक रिएक्शन और स्टेप अप रिएक्शन करना होगा तो यूज कर लेंगे ग्रिनार्ड एजेंट, तो आपका एल्कोहल बन जाएगा। अब देखो जी आपको नेक्स्ट प्रिपरेशन नंबर टू फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, एसिड और एस्टर से हम कैसे बनाएंगे, तो दोनों में एक साथ पढ़ेंगे जी। मैं बताओ पहले एसिड पहला पार्ट, फ्रॉम एसिड से हम कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे। देखो जी आप पढ़ क्या रहे हो एल्कोहल, ध्यान देना। तो पहले देखो ये एम एट हमें करना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी ओ ओ एच से हमें क्या बनाना है एल्कोहल, एल्कोहल ये एल्कोहल ले लो, ये एल्कोहल हमने बनाया। पहले ये बताओगे इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, नहीं जी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाँ रिडक्शन, नहीं नहीं ऑक्सीडेशन का है रिडक्शन है ना एडी, लेकिन थोड़ा हट के है जी ये रिडक्शन जो है पिछले वाले से हट के थोड़ा है, ये जो रिडक्शन है थोड़ा डिफरेंस है जी जो हमने पहले से पढ़ा, जो हमने पहले पढ़ा उससे डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, पहले वाला जो हम एल्डिहाइड कीटोन में क्या किया ओनली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लिया, ओनली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां एडिशन करना है और रिमूव करना है। तो भाई यहां पर ध्यान देना हम यूज करने वाले हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग, यहां डाल देता हूं मैं भाई जब दोनों काम करना हो तो यहां क्या करना है यूजिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट,
भाई दोनों याद करना मुश्किल काम है, थोड़ा ऐसे लॉजिक से याद करें रिजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड कीटोन में क्या था, निकल प्लेटिनम पीडी एनएबीएच फोर, और इसमें क्या है स्ट्रॉन्ग के लिए तुमको ये लेना ही पड़ेगा, कौन स्ट्रॉन्ग क्या लेना पड़ेगा, ये जो एक्सपेंसिव था पहला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा स्टेप में H2O या H3O प्लस जो मर्जी लिखो, H2O लिखो या H3O प्लस लिखो, तो वाटर में मीडियम में, तो पहला जो एक्सपेंसिव लिया था ना स्ट्रॉन्ग ये होता है, तो ध्यान रखना ऐसे पेपर में, आप ये ध्यान रखोगे जो ये जो हमारा है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे याद करना, जो एक्सपेंसिव था यहां लेना पड़ेगा, तो मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दोनों काम हो जाएगा, बहुत काम आएगा एसिड चैप्टर में, जैसे आपको मान लो इथेनोइक एसिड से डायरेक्ट एल्कोहल में जाना हो, इथेनोइक एसिड से डायरेक्ट एल्कोहल में जाना हो तो क्या करोगे, मैं तो आपको याद करने थी भाई, देख लो इस चैप्टर में याद करने ज्यादा काम है रिएक्शन में, भाई हमें रिडक्शन करना है, डिफरेंस क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग लेंगे, उसमें नॉर्मल ले लिया था हमने, ऐसे याद कर ले, तो हमने क्या लिखा LiLH4 और वाटर, तो क्या बना इथेनॉल, और जहां मर्जी दिखाओ HHOH इथेनॉल, तो हमने क्या बनाया इथेनोइक एसिड से इथेनॉल, और सपोज कर लो हमें मान लो बेंजोइक एसिड से चाहिए, बेंजोइक एसिड से क्या बन जाएगा रिएक्शन करके, H2O डालो या H3O प्लस एक ही बात है, बताओ जी क्या बन जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल, तो थोड़ा लॉजिकली ऐसे डिवाइड होगा अगर क्वेश्चन है, ऐसे याद करना है पहले, तो एसिड से एल्कोहल बन जाता है एक, मतलब सीधा बोलो एसिडिक मीडियम पे होता है, ऐसे H3O प्लस में बन जाता है, और हमारा एक ही याद रखना है जो एक्सपेंसिव था LiLH4 से होता है, फिर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग जी, सर ये आपने एक्सपेंसिव यूज क्यों किया बताओ जी, बताओ जी एक्सपेंसिव यूज करना चाहिए बताओ बताओ, बताओ जी एक्सपेंसिव यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करते फिर क्या करें, तरीका बता रहा हूं जी, वह बिना एक्सपेंसिव यूज करके एसिड से एल्कोहल बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा, वो पढ़ना है, उसको कहते हैं सेकंड पार्ट फ्रॉम एस्टर, अब कहते हैं एस्टर से हम कैसे बना लेंगे, मैं है तो एसिड ही, तो पहले एसिड से हम एस्टर बना लेंगे, बहुत फेमस है, देखो जी हमने RCOOH लिया और मान लो मतलब हमें एसिड इस एसिड से एल्कोहल चाहिए, ये वाला यही चाहिए,
तो पहले एस्टर बना लेते हैं, डाल दो जी आठ डैश कोच डालो कर आठ डैश कोच डाल दो बताओ जी, सब जानते हो H जाएगा और OH जाएगा, माइनस H2O एसिडिक मीडियम, बोलो क्या बना, ये एस्टर बन चुका है RCOR, बताओ जी एस्टर बना, अब कहो कि भाई एस्टर बन गया तो एल्कोहल बना ही नहीं, क्या करेंगे, दूजी अब ध्यान दो, फिर ध्यान देना है, अब एस्टर को जब रिड्यूस करेंगे हम, एस्टर को किससे रिड्यूस करते हैं, फिर देखो अब एस्टर के नंबर आ गए, हमने आज तीन तीन बार तीन तीन टाइप पढ़ रहे हो, पहला पढ़ा कार्बोनाइल कंपाउंड को किस किस से रिड्यूस कर सकते हैं, फिर पढ़ा इसका एसिड को ओनली एक्सपेंसिव से, एस्टर एस्टर को रिड्यूस किससे करते हैं, H2 निकल प्लेटिनम और पैलेडियम, बस NaBH4 से नहीं करते हैं, LiNH4 से नहीं होता है, तो इसमें तो H2 के साथ निकल प्लेटिनम पैलेडियम जो मर्जी डाल दो, तो देखो जी क्या बन सकता है, यहां से करस्पॉन्डिंग दोनों HH ऐड कर दो, जानते हो स्ट्रॉन्ग तो है नहीं है, बस हमें H ऐड करना है, तो लेफ्ट साइड H ऐड किया तो क्या दिखाई दिया, एल्कोहल, और प्लस राइट हैंड साइड हो जी, इस पे हमें कुछ नहीं करने जी, H2 ऐड कर दे रहे हैं, इस C पे OH HH ऐड किया, यहां पे R-OH, लो जी रिटर्न वापिस मिल गया जो हमने लिया था, हमें रिटर्न मिल गया ये, और हमें एल्कोहल बन चुका है, एसिड से एल्कोहल देख लो, जो यहां बना था, जो पहले एसिड से एल्कोहल तो बन ही गया, और जो हमने एल्कोहल यूज किया वापस मिल गया, तो और एक्सपेंसिव चीज का हमने यूज भी नहीं किया, हमने एक्सपेंसिव चीज को यूज नहीं किया, ठीक है, क्लियर है सबको, ऐसे दो जी, अब आपको मतलब H2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम, जल्दी देखो जी, आपने इथेनोइक एसिड लिया एग्जांपल, लिख लो सर एसिड एल्कोहल एस्टर, एस्टर रिड्यूस किया एसिड बन चुका एल्कोहल बन चुका है, ये वापस मिल गया है, फिर जैसे कोई इथेनोइक एसिड ले ले और मान लो मिथेनॉल ले ले, बनाओ क्या होगा, बताओ जी ये H ले जाओ ये OH हटाओ माइनस H2O एस्टर बना दो पहले, एस्टर फर्दर रिडक्शन में H2 निकल कैटलिस्ट और प्लेटिनम और पैलेडियम, और यहां से तोड़ो इसका दो पार्ट में बना दो, इसका काम होता है सिंपल एस्टर को रिड्यूस करना, कैसे करता है, इसका कोरस्पोंडिंग एल्कोहल, इसका कोरस्पोंडिंग एल्कोहल, बन गया एल्कोहल, और जो वापिस जो हमने डाला था वापिस आ गया,
चलो जी थोड़ा टाइम है, एक आईपी के लिए पूछ लो, फिर बाद धीरे धीरे बता दूंगा। ये टॉपिक हो गया पूरा हमारा, इसके बाद हाइड्रेशन है और कुछ मैकेजम है। एक क्वेश्चन पूछ लो कोई आईपी के लिए, कौन सा पूछ रहा है, बाकी पेज 5 का कौन सा, देखो 14 का सेकेंड। वैसे अब आपको कल पढ़ाया था जी, सोच सकते हो, कल मैं पढ़ाया था, आप सोच सकते हो जी, कल क्या पढ़ाया था, एसीटोफिनोल, परसों जो पढ़ाया था, जब पढ़ाया था प्रोपियोफिनोल बना सकते हो जी, एसीटोफिनोल नहीं नहीं हाँ, अब जैसे एसीटो में एसिटाइल था, प्रोपियो में प्रोपिनोल वाला कर दो, कॉमन नहीं बनाया लेकिन फेमस नहीं है उतना, लेकिन आप बना सकते हो जी। ये क्वेश्चन नंबर 14 पेज 5, पेज 5 का 14 का सेकंड पार्ट। कुछ बातें धीरे धीरे अपने आप हो जाता है, जैसे हमारे पास एसीटोफिनोल में क्या था, अब इतो जी तू खुद सोचो, इथियोफिनोल बोलना अजीब था, तो एसीटो वर्ड सुने में कॉमन सिस्टम, यहां प्रोप का जैसे दो कार्बन का एसीटाइल बनाया हमने, तो एसीटाइल सिस्टम कॉमन ने बना दिया, तीन का बनाया नहीं कुछ, इसको लिखना पड़ जाएगा, तो मतलब फिनाइल तो है ही साथ में और प्रोपाइल है और कीटोन है, पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोल, पैरा पे नाइट्रो लगा है ये। एसीटो एसीटाइल पे ओ एसीटो, वैसे प्रोपाइल पे प्रोपियोफिनोल। वैसे आगे पढ़ाता बेंजोफिनोल, लेकिन अभी देख लो जी बेंजोफिनोल भी आ जाएगा, पहले तो समझ में आ गया, हाँ जी पढ़ने भी आ गया समझ में। अब सेवेंथ पार्ट जो है, जैसे एसीटोफिनोन, तो वैसे बेंजोफिनोन पहले क्या होता है, बेंजोफिनोन वैसे आगे काम आएगा एल्डिहाइड कीटोन में, लेकिन अभी अभी समझ सकते हो आप बेंजोफिनोन, देखो जी हम एसीटोफिनोन नहीं है, कैसे नाम बनाया गया है, अब ध्यान देना जी कैसे अच्छा सिस्टम है। अब जैसे ये हमारा कंपाउंड है, अब किसी ने बच्चा ने इसको फिनाइल ले लिया, मान लो फिनाइल, अब बताओ इसका कार्बन बच गया एक, इसका नाम क्या हो, बेंजाइलिक कार्बन है, इसको बेंजो बोलते हैं, जो था ना बेंजाइलिक बेंजाइल अल्कोहल था, तो कार्बन के साथ बेंजो होता है और सिस्टम क्या है कीटोन, इसका नाम क्या होता है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन ये नाम है इसका। मतलब पहले बेंजोफिनोन सीख लो, ये भी एल्डिहाइड कीटोन में काम आएगा, अभी पढ़ लिया ठीक है अच्छी बात है, इसे हम कहते हैं बेंजोफिनोल, बाकी बनाते हैं पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी कैसे बनेगा, लेकिन बेंजोफिनोल इसी को कहते हैं जी। भाई याद कर रहे हैं, समझ के याद कर रहे हैं, नींद में नहीं जी। चलो जी हमने नींद में कुछ पढ़ लिया बना लिया, एक फिनाइल एक बेंज कार्बन लेके बेंज आ गया, बेंजाइलिक कार्बन है, तो बेंजो CH2 तो है नहीं, बेंजाइलिक हो गए तो एच हट चुका है, बेंजो का आ गया, तो या आप यदि बेंजाइलिक भी कहोगे तो बाद में कीटोन के लिए बेंजो लगाना पड़ता है, तो बेंजोफिनोन। अब बताओ जी कैसे बनेगा पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी, हाँ जी अब आगे समझ में, बन जाएगा पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी। ये सेवेंथ नहीं था, ऐसे बता दिया पहले, बेंजोफिनोन पढ़ा दिया मैंने, बेंजोफिनोन।
हाँ जी क्या है, पैरा पैरा डायहाइड्रोक्सी, लो जी डायहाइड्रोक्सी ये होता है, लो बन गया। ये कॉमन सिस्टम है, कॉमन नेम सिस्टम। देखो जी भाई, अब अल्कोहल फिनॉल जब पढ़ते जाओगे ना, सिलेबस बढ़ता जाएगा, तो अब जो आपको मेरा कॉपी बहुत हो जाएगा जी, बार बार क्या रहो। अभी जो है आपका हेलो एल्केन हुआ भी नहीं पूरा, स्टीरियो उसमें भी है, बायो मॉलिक्यूल्स में भी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी है, तीन तीन चैप्टर में स्टीरियो केमिस्ट्री है। तो मैं एक साथ स्टीरियो ऐसे पढ़ाऊंगा जो तीनों चैप्टर में कवर हो जाए, समझ में आ जाए, वो पुराना बनेगा। हाँ जी समझ में आ गया, आज का किसी को प्लॉट भी है, आज जो पढ़ाया एल्डिहाइड कीटोन लिख के पढ़ना है, बार बार कह रहा हूँ लिख के पढ़ते रहो, जिसको समझ में कम आता है लिखोगे, बॉन्ड क्लीवेज करोगे तो आपके पास समझ में आ जाएगा, बच्चे तो घर भी चले गए, टाइम ही नहीं है किसी के पास आजकल। ठीक है जी, ओके।